शिरकत नहीं करी। जब हमने उससे पूछा कि क्या अब तक कोई रास्ते हुए हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुस्तकिन और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि हमने अभी बजट स्पीच सुनी है, तो इसकी रूह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये आम लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज लेके आएं, जिससे आवाम की ज़िंदगी में कुछ आसानी हो, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स सामने आई। आप देखिए, इन्होंने एक ये अनाउंस किया है, ये तजवीज़ रखी है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के जो एम्प्लॉज़ हैं, एंड देन ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जो एम्प्लॉज़ हैं, उनकी जो सैलरीज़ हैं उसमें 25% एंड 20% के तनासुब से इंक्रीज़ किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ हमारा मुल्क इस सिचुएशन में अभी इतने बड़े बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक तरफ आपने 10,000 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट की मद में अदा करना है, और आप 1500 अरब का एक इजाफी बोझ जो है इस मुल्क के ऊपर इन हालात में डाल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे फंड्स बचेंगे जिसको इस्तेमाल करके वो एक आम शहरी जो है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई किरदार अदा कर सके। एक तो ये एक मेजर ड्रॉबैक इस बजट के हवाले से। दूसरी बात ये है कि हम एनर्जी सेक्टर में इस वक्त हम देखें, हमारी जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जी सेक्टर है, उसकी प्राइसेस ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट शायद एनर्जी सेक्टर के हवाले से कोई रिलीफ देगी, ताकि ये कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो। तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि हमने ये देखा कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो आने वाले वक्त में उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, यानी कि उसमें लेवी जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं नहीं समझता कि ये एक बजट से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आम ज़िंदगी, एक आम शहरी की ज़िंदगी में उसे कोई रिलीफ मिल सके, ऐसी कोई बात अपेरेंटली हमें नज़र नहीं आ रही। जी थैंक यू जी।